Hi guys, welcome to Happy Soul Journey. ये हिंदी वर्जन है और those who are here for the English version, your timestamp is in description box below. So go there and check that out. Okay? So नमस्ते जो भी यहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए आए हैं, आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फेवरेट है आप लोगों की. मुझे पता है कि जो भी आपके मन में जो इंसान है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, और बाकी इस कनेक्शन का एक्चुअल फ्यूचर क्या है और उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे नाम्स हैं जो हम निकालेंगे, ओके. और हम लेटर्स भी निकालेंगे, तो उसमें लेटर्स के भी मैसेज हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास सॉन्ग मैसेजेस भी हैं, ओके. तो ये सब हम निकालेंगे और शफलिंग आज मैं ऑन कैमरा करूंगी, तो आप देख पाएंगे और उसे इंजॉय कर पाएंगे. तो अगर आपको ऑन कैमरा शफलिंग पसंद है तो आज की रीडिंग आपको बहुत मजा आएगा, और अगर आपको ऑन कैमरा शफलिंग थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप स्पीड अप करके थोड़ा आगे बढ़ जाएं, ठीक है गाइज. सो इसी बात पे शुरू करते हैं. मैं भी आपको पाइल्स अच्छी तरह से दिखाऊंगी. हमारे पास 3 पाइल है, ग्रीन रोज गॉड्स और 3rd है कोरल, ओके. आई होप आपको ये स्टोन्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. ग्रीन रोज गॉड्स और ये कोरल, ठीक है. तो जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर जो भी आपको लग रहा है कि आपके मैसेजेस वहां हो सकते हैं, तो और एक और बात, हम मैसेजेस भी निकालें कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम वो भी निकालेंगे, ठीक है. तो बने रहे हैं एपिसोड जर्नी पे और अपना पाइल चूज कर लें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके. तो हम ये पाइल रखते हैं यहाँ पे. ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल चुना है, जो जेड है, यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ, ठीक है. तो ये कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, हम पहले आपके टैरोस निकालते हैं कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो क्या फील करते हैं आपके लिए. एक और कार्ड दें, पहले नंबर 1 के पर्सन इंटरेस्ट क्या फील करते हैं उनके लिए. ओके, 2 कार्ड्स आ गए. तो पहला कार्ड आया है गाइस आपका 3 ऑफ, इसी जगह बना लेती हूँ. पहला कार्ड आया है गाइस आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके. फिर दूसरा कार्ड आया आपका 5 ऑफ कप्स, तीसरा है एस ऑफ सोर्ड्स, और चौथा कार्ड आया है गाइस आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो अगर आप में कोई फायर साइन है तो उनके लिए बहुत ही, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, अगर आप में से किसी का भी साइन ये है तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है ये, ठीक है. पर अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ये चीज़ अभी की नहीं है, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पे चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे पता चल रहा है. साथ ही साथ यहाँ कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हैं जो इन्वॉल्व हैं इस इंसान की लाइफ में, या तो वो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं या तो उनके पास से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है प्यार को लेके, पर इनका ऑल इन्होंने पूरी तरीके से प्यार पे जो है अपना वो नहीं खोया है, विश्वास नहीं खोया है. ये अभी भी बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि प्यार जैसी चीज़ होती है और उन्हें मिल सकती है, और
शायद ये चीज थोड़ा सा एनलाइटेंड आपकी वजह से हुई है, थोड़ी सी क्लैरिटी ने आपकी वजह से आई है लाइफ में, और ये एक तरीके से इतनी चीजों के इतनी चीजों से गुजरते हुए भी ये इंसान जो है आपके लिए थोड़ा सा क्लियर है कि ये क्या फील करते हैं। और ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग कन्फेशन एनर्जी भी आ रही है कि आपसे बताना चाहते हैं कि ये फील क्या करते हैं एक्चुअली आपके बारे में। तो ये ऑलरेडी या तो इन्होंने आपको बता रखा है कि ये क्या फील करते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, चलो यहाँ तक तो एक मुझे न्यू स्टोरी भी दिख रही है। एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे डिस्टेंस हो थ्री ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे सैडनेस है। तो टू ऑफ कप्स यहाँ अभी भी बरकरार है। हाँ, उतनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट, उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है इस कनेक्शन में इस वक्त, बट वो आ जाएगी क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है और ये आपसे हर एक बात सच सच बोल देते हैं, चाहे दुखी हो खुश हो, तो ये आपसे कुछ छुपाते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में फील करते हैं, जो मुझे क्वीन ऑफ वंड्स से दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है इनकी तरफ से आपके लिए, इश्क जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर कोई ना कोई चीज़ है जिस इंसान को परेशान कर रही है इस कनेक्शन को लेके, बट वो चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, चलो ये अपने आप और एक देख लेते हैं कि एक और एनर्जी, वो इनडिसीजन। तो यहाँ पे इनडिसीजन है किसी चीज़ को लेके, या तो ये कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं, या तो डिसीजन इनको लेना है या फिर डिसीजन के हाथ में ही नहीं है। तो इन्हें ये नहीं पता कि फ्यूचर में होना क्या है, फ्यूचर क्या होल्ड करता है, फ्यूचर में कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी टेंशन वहाँ पे बनी हुई है इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं गाइस आपकी तरफ। इनके इंटेंशंस हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना, इस चीज़ के लिए फाइट करना, इस चीज़ के लिए किसी के भी अगेंस्ट ही जा सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लाना इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन में एक स्थिरता लाना, इस कनेक्शन में एक कॉन्फिडेंस लाना कि ये चीज़ आगे जा सकती है। ओके, अच्छा, ये आपको किस तरीके से देखते हैं, अबंडेंस। तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गाइस आ रही है आपके लिए। एट अगर आप देखते हो तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एट है। ठीक है, 35 भी एट होता है और फिर 88 में भी एट एट है। और एट जो है अबंडेंस के साथ साथ, एट जो नंबर है वो कार्मिक नंबर भी है। तो यहाँ पे किसी तरीके का जुड़ाव जरूर है आप दोनों के बीच, किसी भी चीज को लेके वो हो सकता है, बट यहाँ जुड़ाव है। ठीक है, अब देखते हैं उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे आपकी तरफ, उनके स्टेप क्या होंगे पायल नंबर वन की तरफ। पहला है यू आर इनफ। जो मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ ना, इसकी वजह से इश्यू आ रहा है, क्या करूँ। दूसरा कार्य अट्रैक्शन का और तीसरा कार्य नथिंग्स। तो ये आपसे अट्रैक्टेड है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। इनका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये इनफ अपने आप को फील करना चाहते हैं आपके लिए, यहाँ इस कनेक्शन में इनके इंटेंशंस हैं अपने आप को स्टेबल फील करने के, ताकि जब आगे बढ़ सकें। और यहाँ पे स्वीट नथिंग्स हैं, ये चाहते हैं आपसे एक होता है ना कि किसी इंसान के साथ सिर्फ रहना है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो ये करे वो करे, बस यहाँ पे है कि स्वीट नथिंग्स, प्यारी प्यारी बस बातें हो, प्यारा प्यारा साथ हो, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इनकी। तो इनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपकी तरफ आने से पहले अपने आप को यहाँ पे स्ट्रांग फील करना है, स्टेबल फील करना है, ताकि इस कनेक्शन को ये स्टेबिलिटी दे सकें। ठीक है गाइस, तो ये अपने आपको एडवाइस क्या करते हैं जब आपकी बात आ जाती है, तो एक कार्ड दें मुझे, ये अपने आपको एडवाइस क्या करते हैं जब आपकी बात आती है। ओके, तो यहाँ पे है अ चेंज इन द विंड्स। तो ये अपना आपको कहते हैं कि भाई बदलाव जो है वो करना है। ठीक है,
दूसरी चीज यहाँ पे है, देखो अगर जीब्रा को देखोगे तो जीब्रा के ऊपर जो है वो एक इंसान यहाँ पे आपको दिखेगा, और ये कहने का मतलब ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि वक्त के साथ चेंजेस खुद होंगे, इन्हें बस उस चीज़ पे कायम रहना है, अपने डायरेक्शन को नहीं बदलना है, अपने डायरेक्शन पे एकदम अडिग रहना है, चीज़ें यू नो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो यू नो ये बहुत इन्होंने अपने आप को ऐसे एडवाइस दिया है कि ज़्यादा यू नो जल्दी मत मचाओ, ठीक है इट्स ओके जो भी हो रहा है, तो वैसी करके एडवाइस इन्होंने अपने आप को दिया है। तो अच्छा अब यहाँ पे अगर हम मैसेजेस देख लें इनकी तरफ से आपके लिए क्या है या आपको क्या कहना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी मैसेजेस आ गए। रीच आउट टू मी व्हेनेवर यू फील रेडी। तो यहाँ पे जैसे ये एडवाइस है कि इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें खुद बदल जाएंगी, तो इनका मैसेज यही है कि यू नो आप इनकी तरफ आओ जब भी आप रेडी फील करो, जब भी आपको लगे कि ठीक है आप इट्स ओके सब हो सकता है। समटाइम्स आई फील लाइक सिज़ोफ्रेनिक। इन्हें ना बहुत डबल्स पर्सनालिटी लगती है अपने अंदर कि कभी तो ये चाहते हैं कि चीज़ें यू नो ये कर दें, कभी चाहते हैं कि आप कुछ करो, कभी चाहते हैं कुछ और हो, कभी चाहते हैं कुछ और हो, यू नो थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं जो इन्हें थोड़ा सा परेशान करते हैं आपके मामले में मैं कहूँगी। और ये अपने आप को यही कह रहे हैं कि यू नो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यू नो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और फिर मुझे फिर नेक्स्ट ही पल मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो वही ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी फ़िलहाल ये फील नहीं कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में यू नो है। ओके तो चलो ये हम कार्ड निकाल लेते हैं। ये कार्ड था, ये तो एडवाइस है, तो आपके लिए एडवाइस है आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। तो आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करना है और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू नो ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, ठीक है, और ये अपने आपको एडवाइस भी यही दे रहे हैं। इन्हें नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो ये डिसीजन भी नहीं लेना चाहते, ठीक है, ये चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपको एक अबंडेंस एक वाइफ एक हस्बैंड एनर्जी में देखते हैं आपके साथ यू नो लॉन्ग टर्म। यहाँ पे मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की फीलिंग्स मुझे आ रही है आपके लिए, बट आपको कहा गया है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सरेंडर करना है, दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बिलीव रखना है कि चीज़ें होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब स्टेबल एक्चुअली फील करेगा, ये इंसान खुद आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएगा और आपको उस चीज़ के लिए यू नो टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कुछ करना है कि नहीं, क्योंकि आपको सरेंडर करना है सिर्फ, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे यू नो आपको लगे कि आप ही को स्टेप लेना है, आप ही को कुछ करना है, तो भाई अलग बात हो जाती है, तब आप स्टेप लो और अपने इंट्यूशन से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने मन से पूछो, आपको जवाब मिलेगा। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, द क्लोवर। इसका मतलब कि फ्यूचर जो बहुत लकी है इस कनेक्शन का, सब कुछ बहुत हैप्पी होगा, चीज़ें बेटर होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे मैं कार्मिक बोल रही थी ना, तो यहाँ पे वही है लक जो है इस कनेक्शन का स्ट्रांग होगा फ्यूचर में, ठीक है, और फॉर्चून हैप्पीनेस होप ये सब कुछ इस कनेक्शन में आएगा, बिल्डअप होगी चीज़ें, यू नो इक्वालिटी भी आएगी इस कनेक्शन में अगर मैं कहूँ तो। अच्छा अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं गाइस। ओके तो पाइल नंबर वन के लिए कुछ चार्म्स हैं, उनके कनेक्शन के बारे में, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। ओके तो यहाँ पे एक तो एच लेटर आया है, पास से लिखा, एक तो ये रिंग आई है जो नेल है, तो इसका मतलब ये कनेक्शन में जो है वो स्टेबिलिटी है, ठीक है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। इस कनेक्शन को डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, तो जो आपको लग रहा है आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है आप उधर फॉलो करें, इस कनेक्शन को पार लगाया जाएगा, इस कनेक्शन को यू नो शोर तक पहुँचाया जाएगा, ऐसे बीच भंवर में छोड़ा नहीं जाएगा, चीज़ें आपके हेल्प में आपके फेवर में होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे एक मैसेज भी दिख रहा है आपके लिए
ये मेरे लिए मैसेज वाला फेदर है जो मैसेज लिखने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए वो भी दिख रहा है कि यहाँ पे यू नो एक मैसेज दिख रहा है। फिर एच लेटर है, अभी हम और लेटर्स निकालेंगे पर ऑलरेडी एच लेटर आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लग आया है, तो अपने आप को एनर्जेटिकली स्ट्रांग करो, अपने आप को एनर्जी से भरो ताकि यू नो आने वाले वक्त में वो चीज़ आपकी हेल्प कर पाए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अच्छा, फिर हम ये येस और नो टाइज भी निकालेंगे, तो उसके लिए भी बने रहे। तो मुझे कुछ लेटर्स देने हैं फाइल नंबर 1 के लिए। ये नहीं आना चाहता था। ओके जी, ओ ई एल, तो यहाँ पे मुझे लियो दिख रहा है, जो ऑलरेडी मैंने फायर साइन बोला था, है ना। मुझे यहाँ लियो दिख रहा है। फिर क्या है, सी, तो आप में से किसी का नाम भी सी से शुरू हो सकता है, ओ से शुरू हो सकता है, ई से शुरू, के से शुरू हो सकता है, जी भी है यहाँ पे, और क्या है, और ए है, तो आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नाम या शायद ए से शुरू हो, या फिर आपका ई भी है यहाँ पे, तो दो ई आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कोई वर्ड भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे जेल लग रहा है। जेल का जो करेक्टरिस्टिक होता है, जेल जो होता है ना, वो पानी होता है और ना ही वो पूरी तरीके से यू नो ऑयल होता है, वो ऑयल और पानी का मिक्सचर होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जेल अप होने की ज़रूरत है चीज़ों में, अपने सिचुएशन में, इसको यू नो इसके अगेंस्ट द ग्रेन जाओ मत, जो जहाँ यू नो जिंदगी ले जा रही है उस डायरेक्शन में जाओ और चीज़ों पे भरोसा रखो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे गो भी दिख रहा है आपके लिए, तो ये तो शायद या तो नाम के लेटर्स हो सकते हैं या फिर यू नो वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे गो तो ग्रीन लाइट है आपको, जो भी आपको कोई क्वेश्चन था जिसके लिए यू नो आप पूछ रहे थे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए इस कनेक्शन को लेके, तो हाँ उसके लिए गो आया है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर कोई वर्ड मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अब हम येस और नो, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछें और फिर हम इसको शफल करेंगे, तो इसका कुछ भी जवाब आ सकता है आपके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 का जो भी सवाल है उसका क्या जवाब है, मे बी येस, तो मे बी येस आया गाइज आपके लिए। आपको अच्छे से दिख रहा है क्या, रुको इतना धुंधला क्यों दिख रहा है। पता नहीं आ रही क्यों दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। तो मे बी यस आया आपके लिए। अब आपके लिए हम एक सॉन्ग मैसेजेस निकाल लेते हैं, तो पाइल नंबर 1 के लिए एक सॉन्ग या फिर दो सॉन्ग मैं बता रही हूँ, आप 1 या 2 में से एक नंबर चुन ली, ठीक है। तो दो सॉन्ग्स आ गए हैं गाइज आपके लिए, तो पहला सॉन्ग ये है और दूसरा सॉन्ग ये है, तो इसमें से कोई भी चुन ले एक। तो पहला सॉन्ग हम देखते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, तो ये एक यू नो सैड सॉन्ग है, जहाँ पे यू नो ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो दूसरा शिकायत कर रहा है। और दूसरा गाना है चन्ना मेरेया, तो ये भी सैड सॉन्ग है, तो यहाँ अपसेटिंग एनर्जी तो ऑलरेडी थी यहाँ पे, यू नो ऐसा था कि ये जो है इनको थोड़ा सा दुख है, थोड़ी तकलीफ है, जो भी इस कनेक्शन में कुछ हो रहा है या फिर इनके पास को लेके कोई चीज़ यहाँ पे है जो इन्हें बॉदर कर रही है, और आपके लिए कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सो डोंट वरी। ओके, तो चलो इसी नोट पे गाइस इस रीडिंग को रैप अप करते हैं। मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे कैटलॉग का, और वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, और फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे मुझसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और फिर हम वहाँ रीडिंग बुक कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हैप्पी सोल जर्नी पे, मुझे मिस करें, और मिलते हैं। बहुत सारी वीडियोज हमें चाहिए थे जो टाइमलेस हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। ओके, बाय।
हेलो पालमितू, सो लेट्स सी आपने रोज कॉज चुना तो इसको हम यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है। ये कार्ड हम बाद में निकालेंगे क्योंकि इसमें फ्यूचर एनर्जी है, ठीक है, तो ये लास्ट में देखेंगे और आपके लिए एक एडवाइस है, तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ और हम शफल करते हैं। तो पालमितू के मन में जो भी है पर्सन, उनके लिए जिनके लिए रीडिंग देखने आए हैं, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं, मुझे ओवरऑल कुछ स्टोरी बताओ, कुछ फीलिंग्स बताओ, उनकी एनर्जी बताओ। तो पहला कार्ड आया है, ओह माय गॉड, टेन ऑफ पेंटेकल्स, यानी कि बहुत ही स्टेबल एनर्जी, आपके साथ रहना चाहते हैं ये इंसान। ओके, फाइव ऑफ सोर्स, तो कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी है, कोई डिफीट है, कोई चीज़ आपके बीच में है जो आ रही है। एस ऑफ कप्स, जो भी चीज है उसको ये जो पर्सन है ये ठीक करना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो हीलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए हैं गाइस, ये जो है जो भी चीजें हैं जो नेगेटिव हैं उस चीज को ये पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, हर चीज़ को बेटर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे तो बहुत प्यार करते हैं, पर इस चीज़ में वो खुद से भी प्यार करना सीख रहे हैं, जो चीज़ यू नो, एक तरीके से उन्होंने लाइफ में इतनी की नहीं है या उन्हें कभी समझ नहीं आई, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट थे पास्ट में और अब वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं कि यू नो, मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बताओ, ऐसे कन्फ्यूजन भी होते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टेन ऑफ वॉन्स, तो बर्डन सम एनर्जी यहाँ पे है, कोई चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है और आपसे रिलेटेड ही है, कोई चीज़ है जो आपसे रिलेटेड है और इनको परेशान कर रही है। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, बाकी हम और एक्सप्लोर करते हैं इनकी एनर्जी। ओके, तो इनकी एनर्जी में अगर हम एक और कार्ड निकालें कि आपके बारे में क्या फील करते हैं तो वो क्या होगा। ऑल टाइड अप, तो उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या करें, बहुत ज्यादा शायद वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे यू नो, बहुत लगाव है, बट वो बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बंदे हुए फील कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वही एनर्जी यहाँ पे आई है वो चीज़ को थोड़ा पुख्ता करने के लिए कि यहाँ पे ये टाइड अप फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये इंसान वॉक अवे करना चाहते हैं आपकी तरफ आने से पहले, पर कुछ यू नो, बंदिशें अभी भी हैं। ये किसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो इंसान है यहाँ पे सोच में यू नो, कैद है, तो वही एनर्जी मुझे आ रही है कि ये जो इंसान थोड़ा सा यू नो, कैद सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि यू नो, क्या करें क्या ना करें, यू नो, ऐसी सी फीलिंग है। अच्छा, इनके इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। ओह, कॉन्ट्रैक्ट, शादी, टेन ऑफ पेंटिकल, शादी, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। अगर आप लोग शादी में यू नो, बिलीव नहीं करते और शादी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे स्ट्रांगली कमिटमेंट एनर्जी, इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ कमिटमेंट के ही हैं, इससे कम नहीं। इक्वालिटी, जस्टिस, यू नो, ठीक करना है सब कुछ। फैमिली, आपके साथ घर बसाना है, फैमिली करना है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग है कि आप में से शायद कुछ लोग यू नो, ऑलरेडी इनसे शादीशुदा हो, इनसे मैरिड हो, ठीक है, पर ये इंसान यू नो, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये आपके साथ इस शादी को निभाना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यहाँ पे हीलिंग लाना चाहते हैं, पर ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड, ये आपको किन नज़रों से देखते हैं, यू नो, आपको कैसा इंसान देखते हैं। फॉलो योर ड्रीम, ऐसा इंसान जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है वो उस चीज़ के पीछे जाते हैं, वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप चेंज, तो या तो आप दोनों के बीच यू नो, ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये रिलेशनशिप चेंज करने के लिए आप थोड़ा यू नो, इनको लगता है कि आप रेडी हो,
एक सिचुएशन मुझे ये भी दिख रही है कि शायद किसी को छोड़ के आप इनकी तरफ आओगे, तो वो रिलेशनशिप चेंज यहाँ पे यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि आप वो रिलेशनशिप चेंज कर सकते हो। यहाँ वॉकिंग अवे की भी एनर्जी आई थी पहले, यू नो अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे शायद कोई किसी को छोड़ के, या तो आप किसी को छोड़ के इनकी तरफ आओगे या तो ये किसी को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, तो यहाँ पे वॉकिंग अवे है, बट वो आप एक दूसरे की तरफ ही है। यहाँ पे मुझे एक दूसरे से अलगाव की कोई यू नो फीलिंग्स नहीं आ रही है। मैनिफेस्टेशन, तो आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे प्यार है आपकी तरफ से, इन्हें पता है कि आपकी तरफ से प्यार है। अच्छा जी, अपने आपको एडवाइस क्या देते हैं जब आपकी बात आती है? रीजनरेशन, तो हीलिंग करनी है, मैंने पहले ही कह दिया, वही चीज आ रही है बार बार कि ये हील करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रीजनरेट करना चाहते हैं, जो भी चीज ब्रोकन हुई है, जो भी चीज खराब हुई है, उस चीज को सबको यू नो बेटर करना चाहते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप चेंज, स्कॉर्पियो एनर्जी चेंज, कोई चीज खत्म होगी, कोई चीज शुरुआत होगी, तो वो अपने आपको एडवाइस दे देते हैं कि ये जो चीज है ये बाय द बुक, तो बाय द रूल्स, जो यू नो जैसे किस्मत का रूल होगा, जैसी चीजें होंगी उस हिसाब से यहाँ पे इनको लगता है कि बदलाव होगा, और इन्हें भरोसा है, इन्हें बिलीव है, और ये अपने आपको भी एडवाइस दे देते हैं कि बाय द बुक जाओ, यू नो डेस्टिनी के साथ चलो, सरेंडर करो, चीजें ठीक होगी, चीजें बेहतर होंगी, ये वो बहुत ज्यादा ये अपने आपको समझाते हैं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अच्छा जी, तो इनका जो अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, कहाँ गया टैरो, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके तरफ? फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ आया है किंग ऑफ वांड्स, तो फाइव ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन से किंग ऑफ वांड्स जो है यहाँ पे बाहर निकालेंगे आपको इनको, तो ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि इस आइसोलेशन से, इस अलगाव से, इस दूरियों से ये अपने आपको बाहर निकालेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, चीजें बेटर करेंगे, तो यहाँ एक्शन ओरिएंटेड है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्शन ही है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो सोच रहे हैं ये वो, नहीं यहाँ पे एक्शन है, वो भी किंग, तो किंग तो एक्शन लेता ही है, जब किंग आ गया तो एक्शन 100% है यहाँ पे इनके ब्रेन दिमाग पे, यू नो प्लानिंग में। मैजिशियन, तो मैनिफेस्टेशन एनर्जी पहले भी आई थी और यहाँ मैजिशियन है, दोनों एनर्जी बोल रही है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है इस कनेक्शन का, जो भी चीजें परेशान कर रही थी वो चीजें अब बेहतर होंगी इस कनेक्शन में, और अगर कोई चीज यहाँ पे यू नो कोई चीज किस्म की यहाँ डाउट था तो वो क्लियर होगा, वो चीजें यू नो बहुत श्योरिटी आपकी कनेक्शन में आने वाली है, कमिटमेंट आने वाली है, और स्टेबिलिटी आने वाली है, और जो भी कंफ्यूजन था, जो भी टाइड अप सिचुएशन यहाँ लग रही थी, वो सब चीजें यहाँ से यू नो धीरे धीरे यू नो स्वीप अप हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। अच्छा जी, अब लास्ट हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या होंगे, फिर हम चार्म्स देखेंगे, हम येस और नो डाइस भी है गाइस, और सॉन्ग्स मैसेजेस भी हैं, तो बने रहें। पायल नंबर टू के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो क्या कहना चाहते हैं पायल नंबर टू से? क्या कहना चाहते हैं पायल नंबर टू से? नाउ आई नो वट वॉज सो अर्जेंट फॉर यू, आई फील दैट अर्जेंसी इन मी नाउ, तो अर्जेंसी है किंग ऑफ वॉन्स में, ठीक है। कैन यू रियली फॉरगिव एंड फॉरगेट, यहाँ पे कोई इशू था, यहाँ पे यू नो कोई प्रॉब्लम फाइव ऑफ सोर्ड्स से की गई थी, कोई बिट्रेयल, कोई झूठ, यू नो कोई यू नो बंधा हुआ कि किसी को यू नो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ गलती की है इस इंसान ने और आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस चीज को लेके। एक और मैसेज मैं निकालना चाहूंगी गाइस आपके लिए, यू मेक्स मी फील सेफ एंड सपोर्टेड, तो आप इन्हें सेफ और सपोर्टेड फील कराते हो, और नेक्स्ट है लव इज द ओनली क्योर, लव ही है जो एक ही चीज है जो सब कुछ ठीक कर सकती है, इन्हें ऐसा लगता है।
finally aapke liye advice hai, my energy creates my reality, what I focus on is what I will manifest. So, manifestation ki energy aapki taraf se bahut strong aa rahi hai, to aapke advice ye hai ki aap is connection ko पे फोकस करो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करो. जो भी चीज़ें हैं वो वक्त के साथ बेहतर हो रही हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, पर अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में दौड़ लगाते रहोगे तो मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं होगा, यू नो, और आप यू नो दौड़ राहे पे खड़े रहोगे. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इसे मैनिफेस्ट करो और फोकस वहाँ करो जो आप चाहते हो, ना कि जो चीज आपको यू नो डर या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको सता रही है. फ्यूचर इज कनेक्शन का द फॉक्स. फॉक्स इज एक अच्छी एनर्जी नहीं है. फॉक्स मेरे लिए एक धोखे की निशानी है. तो इसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि फॉक्स यहाँ आया क्यों है. फटाफट से कार्ड आ गया है. मून, कुछ चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं. यहाँ झूठ आगे भी बोला जाएगा. अब वो आपकी तरफ से छुपाया जा रहा है या इनकी तरफ से छुपाया जा रहा है ये आपको बेहतर पता होगा, ठीक है. बट यहाँ पे कुछ है, कुछ ना कुछ है जो छुपाया जा रहा है, ठीक है. तो वो चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करिए. वैसे मून और हाई प्रीस्टेस आ जाता है तो मेरे लिए वो साइन होता है. मतलब क्वेश्चन मैं पूछूं और मून या हाई प्रीस्टेस आ जाए तो इसका मतलब कि मुझे कार्ड ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है. पर जो भी होगा वो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि बेहतरी के लिए होगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे. हाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी पर चीज़ें बेटर हो जाएंगी, तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है. चलो हम यहाँ पे आपके लिए कुछ लेटर्स निकाल लेते हैं गाइस. पहले थोड़े चार्म्स निकाल लें. तो पहले नंबर वन को और क्या जानना जरूरी है. लेटर्स निकालना चाहिए थे. या आपके नाम हो सकते हैं, उनके नाम हो सकते हैं, या फिर कोई वर्ड बन गया जो इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के लिए. तो सबसे पहले तो गाइज आपके लिए आया है ये. तो ये म्यूजिक है, तो शायद आपको म्यूजिकल मैसेजेस मिल रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या फिर वो कोई ना कोई यू नो म्यूजिशियन हो सकते हैं. हार्ट बीट, तो आप इनकी हार्ट बीट हो, इनके दिल की धड़कन हो. एरोप्लेन, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग होगी, और यहाँ पे बहुत स्विफ्ट एक्शन भी है. तो यहाँ पे चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं. ये मेरे लिए बहुत ही तेज़ी का बदलाव है. साथ में यहाँ ट्रैवलिंग हो सकती है आप दोनों के बीच. इस चीज़ को पकड़ लिया है आप दोनों ने और पकड़ लोगे, तो ये दोनों ये जो है ये आपके यू नो क्लच से बाहर नहीं जाने वाली है. पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. रबर बैंड यहाँ पे बोल रहे हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है वन दैट इज फुल, यानी कि आप अपने आप में कंप्लीट हो. इस कनेक्शन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, या वो आप पे डिपेंड नहीं होंगे. एच, तो यहाँ पे ऑल लेटर्स हैं बट एच यहाँ पे आया है. एयर ऑफ सोल, जो मैं कह रही थी बंधा हुआ, यहाँ पे दोबारा वो मैसेज आ रहा है. तो यहाँ पे बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील किया जा रहा है, ठीक है. तो चलो लेटर, ये सबसे पहला लेटर है के, फिर है ए, फिर है वी, एन, एस, एफ, टी, ओ, डब्ल्यू, पी. तो यहाँ पे लेटर्स हैं. मुझे यहाँ कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे किसी चीज के लिए नो दिखाई दे रहा है. तो आपका अगर कोई क्वेश्चन था अभी तक तो उसका जवाब नो है. बाकी हम डाइस अभी करेंगे, ये येस और नो वाला डाइस.
आपके पास मान लो मल्टीपल क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहा था, तो उसका जवाब नो है, ना है उसका जवाब, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनिन दिख रहा है, तो आप में से कोई शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोचते हैं कि आप हो, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, NDF दिख रहा है, तो नेशनल डिफेंस फोर्स, तो आप में से किसी का जो पर्सनल इंटरेस्ट है मिलिट्री में हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, या फिर डिफेंस में आप या वो किसी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो, ओके। तो आपका और उनका कोई बेटा हो सकता है, यू नो, या फिर अगर आप इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम बेबी की वजह से आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू नो ब्लेस हो गए एक सन से जल्दी। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, वन, तो आप अपनी आधी जंग जीत चुके हो, ठीक है। मुझे तो गाइस इतना ही दिख रहा है, आपको कुछ और भी दिख रहा है, तो सैड, आप सैड मत हो, आप में से शायद कोई सैड है, और शायद आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी सैड हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से, ठीक है। बट यहाँ जीत होगी, वन आया है यहाँ की, यानी कि जीत होगी, ठीक है। अब लास्ट नहीं, इसके बाद सॉन्ग्स भी हैं, तो आपका कोई भी सवाल है उसके बारे में आप सोचें, उसका जवाब इस डाइस में आएगा। पाइल नंबर टू का जो भी सवाल था उसका जवाब दें, यस यस आया गाइस आपके लिए, ओके। तो हम सॉन्ग मैसेजेस निकाल लेते हैं गाइस अब आपके लिए, तो पाइल नंबर टू में दो सॉन्ग्स निकालूंगी, तो आप एक या दो में से चूज कर लें और फिर आपको सॉन्ग मैसेज देख लें, ठीक है। मैं दो सॉन्ग निकालूंगी, पहला सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग, तो ये है दूसरा सॉन्ग, ये पहला सॉन्ग, ये पहला दूसरा, तो जो भी आपका सॉन्ग है आप बताएं, पहला दूसरा। तो हम पहला सॉन्ग देखते हैं, पहले क्या है, कर गई चुल, तो आपको बहुत मस्त सी लड़की देखते हैं या लड़का देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग है और उनको पागल कर रखा है आपने। और दूसरा गाना है मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू आई, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे शायद ये गाना गा रहे हैं कि मेरे सपनों की रानी या राजा, कब आओगे तुम मेरे पास, ठीक है। तो गाइज इसी पे रीडिंग ख़त्म करते हैं, मुझे बताएं रीडिंग कैसी लगी, और लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटलॉग है जहाँ लिस्टिंग है मेरी रीडिंग्स की प्राइजेस के साथ, वो जाके चेक करें। और मुझे आप जीमेल पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रीडिंग को लेके, और हम बुक कर सकते हैं रीडिंग। गाइज इसी बात पे मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे जो टाइमलेस है, उसका प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके और रीडिंग देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के लिए बने रहें हैप्पी सोल जर्नी पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने पैल नंबर तीसरा चुना, तो आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, और हम कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सनल फ्यूचर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। टावर, चेरियट, क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ मुझे कैंसर का बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रहा है, तो अगर आप कैंसर हैं या कोई वाटर साइन है तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है, स्पेशली कैंसर और स्कॉर्पियो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मुझे एक्वेरियस भी दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, ओके ओके। तो इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि दो मेजर अरकाना आए हैं, सबसे पहली बात
और टावर जब मैं यू नो फीलिंग्स की बात आती है और इसके साथ इतने इमोशनल कार्ड्स आए हैं तो मैं टावर को एक अट्रैक्शन कहूँगी, मैं ऐसे कोई चीज़ यू नो ब्रेकिंग नहीं कहूँगी। हाँ, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि ये ब्रेकअप हुआ आपके बीच या फिर कोई सरप्राइजिंग कोई सडन चेंज आए हो आपके कनेक्शन में यू नो या फिर आपके यू नो कम्युनिकेशन में, बट यहाँ पे एक स्ट्रांग अट्रैक्शन मैं ज़्यादा लोगों के लिए कहूँगी, ये बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, आप बहुत आकर्षित हैं। दूसरी चीज़ ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को और ज़्यादा जीना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनली ये आपसे कनेक्टेड हैं। अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो आपके लिए यू नो एक मदरली एनर्जी है जहाँ इन्हें एक नर्चरिंग मिलता है, इन्हें केयर मिलता है, आपके यू नो गोद में सर रख के यू नो कई बार सोचते होंगे कि आपकी गोद में सर रख के ये यू नो थोड़ा रिलैक्स कर पाए, ऐसी मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है। पर नर्चरिंग एनर्जी दोनों के ही केस में कहूँगी, ठीक है, कि नर्चरिंग एनर्जी आपके साथ आपसे लेना चाहते हैं, आपसे फील करना चाहते हैं, आपकी केयर यू नो चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, इनकी परवाह करो, और यू नो यहाँ एक कम्युनिकेशन की भी है, तो शायद ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, या फिर दूर से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि कम्युनिकेट किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके लिए क्रश हो, ठीक है, अभी तक आपको कुछ बताया ना गया, बस यू नो कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपकी तरफ पुल है, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ दूर से ही देख रहे हो अभी तक, पर ये सबके लिए केस नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं, एक और कार्ड निकाले, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या है। ये एनर्जी ओरेकल है, स्टॉर्म वार्निंग अगेन, या टावर एक एनर्जी आ रही है, तो या अगर ये क्रश है या फिर जो भी है, यहाँ पे इन्हें लगता है कि हाँ यू नो कोई ब्रेकअप हो सकता है या फिर आप इन्हें छोड़ के जा सकते हो, कोई चीज़ है जो डिस्टर्बिंग है इस चीज़ इस कनेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ टावर वाली एनर्जी सेम आ रही है, तो मुझे बहुत स्ट्रांग मैं कहूँगी फिजिकल अट्रैक्शन है इनकी तरफ से, बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे एक हस्बैंड एनर्जी है, यानी कि एक स्टेबल एनर्जी ये चाहते हैं आपके साथ फॉर्म करना, ये सिर्फ यू नो एक सेक्शुअल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ है, ठीक है। अच्छा, उनकी इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, अगर देखें हम फोर्थ चाक्रा, तो अपना दिल खोलने की, अपना दिल की बात बताने की, यू नो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की, ये इनकी इंटेंशंस है। हीलिंग भी यहाँ पे हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स और हार्ट चाक्रा, हीलिंग हो सकता है दिल का, यू नो ये अपना दिल या आपका दिल जो है वो हील करना चाहते हैं, बहुत बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो अगेन एक कमिटिंग एनर्जी है जहाँ पे यू नो किसी से दिल की बात की जा रही है, किसी को दिल में बसाया जा रहा है, किसी के लिए यू नो एक स्ट्रांग एक स्टेबल फीलिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है। पर ये अंडरलाइंग एनर्जी बार बार क्यों आ रही है, किंग मैन होल्डिंग अ कॉइन, अबंडेंस, दोनों अंडरलाइंग एनर्जी क्यों है, सामने क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये छुपी हुई है गाइस, ये एनर्जी छुपी हुई है, वो आपको किन नजरों से देखते हैं, ये नेक्स्ट सवाल है, तो लेट्स सी वो आपको किन नजरों से देखते हैं। अबंडेंस, तो आपको अबंडेंस देखते हैं बट वो बता नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, यहां भी अबंडेंस था, अंडरलाइन एनर्जी बता नहीं रहे हैं, पर वो आपको देखते क्या है, अबंडेंस, यानी कि कमिटेड, एक स्ट्रांग स्टेबल कनेक्शन, एक स्ट्रांग स्टेबल पर्सन, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, तो आपको स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भगवान का दिया हुआ सोलमेट, कोई भी लव्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो अपने आप को एडवाइस क्या देते हैं जब आपकी बात आती है गाइस, लेट्स सी, रीजनरेशन, तो यहाँ पे कोई चीज
जो बिगड़ी थी टावर स्ट्रोम वार्निंग या कोई चीज़ ख़राब होगी उस चीज़ को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वो बेहतर करना चाहते हैं, वो अपने आप को एडवाइस हमेशा देते हैं, कुछ भी होगा मैं लड़ूंगा, मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगी, मैं सब कुछ बेहतर करूंगा। तो आप में आपकी तरफ उनकी गिविंग अप एनर्जी मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। चाहे उसके रूल्स हो जो भी हो, उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, उस चीज़ को अगर बाय द बुक, अगर डेस्टिनी में ज़्यादा वेट वेट करना वगैरह भी है तो वो करेंगे, उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें कि उनका नेक्स्ट आपकी तरफ स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, फोर ऑफ सोर्ड्स, तो ये चुप्पी की एनर्जी है, शेयरिंग अभी भी नहीं हो रही है। एट ऑफ वांड्स, ओके, तो जो चीज छुपाई जा रही थी, जो चीज नहीं बताई जा रही थी, अब वो कम्युनिकेट होगी। टेम्परेंस, चीजें मॉडरेट होंगी, इक्वल होंगी, शेयरिंग यहाँ पे होगा। और टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस का एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है, आप या वो, पर यहाँ पे एक बिल्डिंग अप हो रहा है, केमिस्ट्री है यहाँ पे, एक यू नो कमिंग टुगेदर हो रहा है। यहाँ वाटर अर्थ साथ में आते हैं सेजिटेरियस में, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो, तो वो एनर्जी यहाँ पे है। तो जो भी चुप्पी की गई थी अब उस चीज़ को बाहर लाया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप उनका आपकी तरफ कम्युनिकेशन ही है। आई एम हैप्पी। अच्छा जी, उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइज, अब वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पीपल लीव और डाई, तो यहाँ पे एक यू नो जो मैं कहती थी शायद यहाँ पे ब्रेकअप हो जाए या फिर यू नो आप छोड़ के चले जाओ, वो ये मैसेज बोलना चाहते हैं कि लोग छोड़ के चल जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो इनके में से किसी की लाइफ में शायद इनका बहुत करीबी कोई किसी की डेथ हुई हो और उस लॉस को यू नो ये अभी भी फील करते हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक चुप थे या शेयर नहीं कर रहे थे या इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहे थे या इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे। देयर इज नो वन एल्स बिसाइड यू इन माई हार्ट, ये हार्ट चाक्रा, कोई और नहीं है इनके दिल में आपके अलावा। नाउ आई नो वट वॉज सो अर्जेंट फॉर यू, आई फील दैट अर्जेंसी इन मी, तो आप में से शायद किसी ने इनके साथ अपनी फीलिंग शेयर की हो पर उस टाइम यू नो इन्होंने ब्रेकअप कर दिया हो या आपसे यू नो आपका दिल तोड़ दिया हो, टावर एनर्जी, स्ट्रोम वार्निंग एनर्जी, पर अब ये समझते हैं कि यू नो इनको वो नहीं करना चाहिए था और इनको इस चीज़ को मौका देना चाहिए था, इनको यू नो अपने डर को, अपनी यू नो सोच को इतना हावी नहीं होना देना चाहिए था इस चीज़ पे। वो चीज़ इन्हें अब फील हो रही है, इन्हें रिग्रेट भी है और चीज़ को रीजनरेट यानी कि वापस बनाना चाहते हैं, अपने को एडवाइस भी यही देते हैं कि इस चीज़ को वापस बनाना है। अब कैसे करना है भाई या बहन जो भी है वो अपने आप को बताएंगे। फ्यूचर कैस कनेक्शन का द बुक के, तो यहाँ पे ऑफर आता हुआ दिख रहा है, प्यार भरा ऑफर, रेड रोजेस, बातें बताई जाएंगी, ऑफर होगा, डेट होगी, गिफ्ट्स होंगे, शायद जो लव्स ही जो हैं वो तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और एक पैशन भी दिख रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। गाइज आपके लिए एडवाइस है, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो, तो आपने अगर इस इंसान को किसी वक्त पे डिज़ायर किया हो, इनको चाहा हो, तो आप उस चीज़ के लिए शेमफुल ना हो कि आपसे कोई गलती हो गई, या फिर आप में से कोई अगर यू नो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इस चीज़ को लेके मैं नॉर्मली तो नहीं कहती कि आप यू नो गलत ना सोचें, बट हाँ कभी कभार ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं जहाँ पे यू नो आपकी शादी पूरी तरीके से एक तरीके से खोखली हो चुकी होती है। ठीक है, उसमें सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं दे रहा होता, तो फिर उस टाइम पे यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को ऐसे मौक़ों पे गलत ना समझें, यू नो अगर आप किसी ऐसे इंसान से अलग होना चाहते हैं और किसी ऐसे इंसान की तरफ जाना चाहते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो आप उस पर फोकस करें, उस चीज़ को बढ़ाएं। अगर आप में से कुछ लोग इस प्यार को लेके, सोसाइटी या किसी चीज़ को लेके डर है आपके मन में,
वो चीज को ना आने दें इसके रास्ते में, उससे लड़ें, खड़े रहें और ट्रस्ट करें कि आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है? अच्छा तो गाइस, हम थोड़े से चांस निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ बुके आया था गाइस और आपको दोबारा से यहाँ पे रोज मिल गया। फिर यहाँ पे फॉक्स है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉक्स मेरे लिए बिट्रेल की निशानी होती है, कोई झूठ। यहाँ तो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे सच्चाई नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे सच्चाई नहीं बताई, जो भी आपको दिख रहा है इस कनेक्शन में वो सच्चाई नहीं है इस वक्त। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इक्वालिटी है इस कनेक्शन में और होगी, वॉर्म्थ होगा, एक दूसरे की तरफ केयरिंग होगा। डेंजर है, डेंजरस है ये, ठीक है, बट आपको लड़ना होगा। फाइट, गन फाइट, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। फीनिक्स, रीजनरेशन की निशानी एक और आई है गाइस आपके लिए, तो ये चीज़ पक्के से पक्के दोबारा बनेगी अगर बिगड़ी है। सेलिब्रेशन, धूम, जो मेरे लिए सेलिब्रेशन की निशानी है। फिर है इन द सिटी, तो शायद एक ही सिटी में हो सकते हैं या फिर जल्द आप एक सिटी में हो जाओगे ताकि आपके कनेक्शन को उस चीज़ से सपोर्ट मिले। अच्छा, हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं गाइस आपके लिए, जो आपके नाम हो सकते हैं या उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपके कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो देखते हैं। आपका कोई लेटर बन रहा हो तो बताएं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट तो जलप, यानी कि आप फ्लो में बहें, ठीक है, सरेंडर करें सिचुएशन को, चीजें बेटर होंगी। किसी चीज को ऐसे ना कोई ड्रास्टिक सा डिसीजन ना लें, कोई बड़ा सा डिसीजन ना लें। उसके बाद यहाँ पे मुझे गेट भी आ रहा है, तो वही मुझे वही वाली फीलिंग आ रही, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन जो पहले आया था, गो आउट, सेम मुझे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे लाए भी आ रहा है, लाए जो मैं कह रही थी फॉक्स, यहाँ पे कुछ झूठ है। ठीक है, तो यहाँ पे लाए वर्ड भी बन रहा है, LIE, हाँ झूठ है, कुछ चीज़ है जो छुपाई जा रही है। लेग, तो लेग से मुझे लेग अप वाला फ्रेज याद आ रहा है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें और डेस्टिनी का सपोर्ट करें, क्योंकि डेस्टिनी सब कुछ नहीं कर सकती, आपका फ्री विल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फ्री विल से कहेंगे कि आप हार मान रहे हो, फिर डेस्टिनी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और हर एक चीज लिट है, धूम, सेलिब्रेशन, लिट, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है ये तो। चलो अब आप एक सवाल सोच लें और हम येस नो मे भी कुछ भी आंसर उसका आ सकता है, तो अच्छे से आप थोड़ा सा ब्रेक आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को और फिर अपने आप से पूछ सकते हैं, या फिर आपके सवाल अगर ऑलरेडी मन में है तो उसे एक अच्छे से फॉर्मेट में कर लें कि क्या यस आएगा या नो आएगा, तो आप क्या आपका जवाब कैसा रहेगा। चलो गाइस, नो, आपका जवाब नो आया है गाइस। ओके, तो हम यहाँ पे अब सॉन्ग्स निकाल लेते हैं, तो मैं दो सॉन्ग्स निकालूंगी, आप पहला या दूसरा नंबर में से कोई चुन लें। ठीक है, सॉन्ग मैसेजेस क्या है पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से। पहला, दूसरा, तो ये है पहला, ठीक है, और ये है दूसरा।
तो आप चुन ले और हम पहला देखते हैं। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, तो यहाँ पे शायद आप लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हो, ठीक है। तो इस सॉन्ग को सुने, आपको कोई मैसेजेस शायद मिले या फिर उनका या आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। और दूसरा नंबर पे आया, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, जो मुझे अट्रैक्शन यहाँ दिख रहा है। तो ये उनकी तरफ से हो सकता है या फिर आपके कनेक्शन के लिए रीडिंग है, ये सॉन्ग है। तो जो भी आपको मैसेज मिल रहा है आप उसको अपने इंट्यूशन से माने और यू नो उसे एक्सेप्ट करें। तो इसी नोट पे गाइस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मुझे ज़रूर शेयर करें आपको रीडिंग कैसी लगी और आपको क्या फीलिंग आई, आपके मन में कैसे ख्याल आए। या अगर आप कमेंट में नहीं कर सकते तो मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा कैटलॉग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसके साथ जो है सारे यू नो प्राइजेस भी है मेंशन। और आप मुझे जीमेल पे, इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तक रीडिंग देखी है तो सब्सक्राइब करें, बिना गए ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो सब्सक्राइब करो और बेल बटन को भी बजा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस इतना ही इस वीडियो में, बने रहें हैप्पी सोल जर्नी पे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो टाइमलेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएं और चेक करें और वीडियोस हैप्पी सोल जर्नी की और मज़े करें। ओके गाइस, बाय। हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी सोल जर्नी। सो दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द रीडिंग। All the cards are different. So if you you have already watched a Hindi reading, this is a different reading, so you can watch it for your situation. Okay, and so today's reading is mixed up of a lot of questions, feelings, intentions, next move, how they see you, their messages, charm, song messages, yes and no questions. It's going to, you know, just look into your love life in detail. Okay, so we're going to look into your love life in detail. So please cooperate and choose a reading for you by following your intuition, by calming yourself down. So calm yourself down and choose one pile. I will show you the piles properly in a while. So before that, I would just want to tell you that if you want a personal reading with me, you can book that through email, WhatsApp or Insta. My catalog is in description box below, the link for my catalog, so you can go there and check out the price and everything and how I deliver everything I've mentioned there. So go there and check that out. Okay, so on that note, let's start to see the options. So here are your options, guys. First option, second option, and third option. So these are your options. And this is the yes, no dice. So we have a lot to see. Charm, songs, dice, and lot of cards. So let's start your reading. Hello Palamavan. So if you have chosen the red crystal, the coral crystal, so let me put it here and we will look into these cards later on because it's future energy and the advice for you. Before that, we have a lot of cards to reveal a lot of information for you. So let's start your reading with the tarot. I'm going to do the on camera shuffling today, so enjoy that, and if you don't like it then you can watch other readings where I haven't done the on-camera shuffling. So let's start your reading. So first question is that what the person of interest feels for you and feeling for you, what we need to know, hermit energy. Ooh, so here is someone who is a Virgo and who is silent and who is thinking about a lot of things here. Okay, whew, calm down. I don't know, I'm feeling a very, you know, the energy where you know
try to be happy, you know, try to show that you are happy, but you are not. I don't know what that means for you. So, Eight of Swords. So, this person is feeling stuck. This person is trying to find a way because Hermit is able to find ways. So, let's see what's the last card for their feelings. They are feeling, you know, one more thing you can see here that, you know, this person is, you know, controlled by the strings here. So, this person is feel like that, you know, you control their feelings, you control their emotions, you control them, you know, how they think. For few of you, maybe they have told you that you are a very controlled freak, or for few of you, they feel like, you know, not even by doing anything you control them. So there is a energy where they feel bounded to you, where they feel like, you know, they are bound to do few kind of things, and they are bound to be some like, be like something, and they are bound to you, to be with you. And this is in the both ways, in negative and positive. I will not say this is just positive, this is negative too. They feel sometimes that they are bound, and they're trying to understand this thing properly. They are trying to see the light in the situation by the Hermit. But yeah, there is some negative points here. Why these two cards are reversed? Nine of Swords. So this person is not at all in a good kind of vibe. This person is really, really disturbed. Yeah, Seven of Swords. Self-sabotage. Maybe they have made something wrong. They have done something wrong to you. They have made a mistake. They are worried about something. Maybe they are worried about their own persona. That, you know, if you see the truth, which you're not right now, you're not seeing the truth right now. Maybe if you'll see the truth, you will not like them. Okay, so this is very strong energy. Oh my god. Let's see. Let me pull a card from the energy oracle for their energy and feelings towards you. So what this person feels. Community. So this person feels like, you know, they can show themselves, they can show you to their family and friends, and you both can be friends. And there is some happy vibes. They feel happy instead of all this thing, the, you know, so heart-wrenching energy. There is something good in the feeling when it comes to you. So what's their intentions towards you? Let's see what they want with you. Anxiety. Angel of Love. So they are worried about, because they love you, they are afraid of something because they love you, and they are being very patient when it comes to solving this situation. Interesting. Let's see how they see you as a person. Individuality, a very strong, very individual. You could be an Aries or Sagittarius or Leo. I'm seeing a fire sign here, but you know, if you are not, then not to worry, it is just for a few of you, just to show you some zodiac. For a few of you, it is important. But a person who is very individualistic, who, you know, who is independent, who takes care of their freedom, who takes care of their, you know, what they want, and who has a strong persona. Self-love. So you love yourself. So there is a strong fiery energy which is about self-love and individuality. It is a strong Aries energy. Okay. So what kind of advice they give themselves when it comes to you? Let me make some space. So what kind of advice they give themselves? Ooh. Never ending story reverse.
You know, few people don't read Oracle's reverse, but I read. Because, you know, reverse card has different kind of meanings. So what kind of advice they tell themselves? That don't tell yourself the never-ending story. The same story that you are, you know, anxiety, self-sabotage, some issues of the past. Maybe they are learning from the past. You know, this could be a past energy. This could be someone they are already involved with, or they were involved with, you know, they were, you know, with someone in the past and where they felt bounded. It could be that you are not someone with whom they feel like you are taking away their freedom, because they already see you as someone who, you know, who is very free. But, you know, whatever they have went through, it, you know, give themselves some kind of energy that, you know, if you ever try to, you know, bound them or, you know, give them pain or give them anxiety, then, you know, what the best way out? What's the best thing? What's the, you know, light in the situation? There is that kind of energy. And they are trying to overcome that situation, overcome that never-ending story. If you see, this fairy is just holding her hand. And this is reverse. This is advice. They advise themselves the same thing. A girl is holding her hand, her head in her hand. So this is anxiety, some situation, but they advise themselves that they need to come out of this anxiety, some situation. Okay. So let's see what this person wants to tell you. So time for some messages. What this person wants to tell you. Separation taught a lot. So there was, maybe there is a situation where you both are separated, hermit energy. So this is again a separation energy. So this is, there's separation, some quarrel, some, you know, fight, some disturbance which you both have went through. Let me suffer a bit. So whatever they did to you, they are trying, you know, seven of swords. They did something wrong. There was energy where something was wrong. So, and secondly, if they haven't done something wrong, they are telling you that let me suffer a bit in this situation so that I can make my own decisions. Okay, because separation is teaching me a lot, and let me learn those things so that I can overcome all these lessons. Whatever I need to learn from the past, whatever I need to learn from all that pain, whatever I need to learn about myself, whatever I need to learn about where I am wrong. Okay, let me learn all those things. Now let's see what the next move towards you. Six of Cups, High Priestess, Ten of Swords, Five of Wands. I'm liking this energy. Seven of Swords. So whatever they have done wrong, they want to end their situation by Ten of Swords. There's an ending. There's a following that they will follow the intuition. There will be pleasure. There will be reconciliation. And there will be a lot of passion. The next move, I already explained you all those cards. So there's an ending. They will follow the intuition and they will come towards you and they will be, everything will be alright, guys. Awesome, awesome, awesome. The house, the future of this connection is house, which says there is a foundation there. There is commitment there. There is something long term. The advice to you, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. So align yourself to love. Don't bog down by whatever happened. You will get a clear direction that where you need to go. Okay, so now let's have some charms. It's charm time. Give me some charm to file number one. Okay, so you both are connected. This is commitment. Okay, this connection is very valuable. Okay, a few of you, the grass was not greener on the other side. Just
take your own meanings. I just heard this phrase. So there will be transparency. Okay, we got two letters. We will pull more letters, but we already got T. And what's that? L. It's L. Cycle. So this bicycle says there is a slow movement, slow growth. Turtle is again a slow growth, but this is long-lasting growth, long-lasting move. Again, a letter L. So there's L, which is coming twice. Button up. Like, you know, this button was, you know, this charm was about buttoning up a wrong thing, like, you know, taking a wrong decision. I don't know, maybe they made a wrong decision or you made a wrong decision. There was a wrong decision, but everything will be all right. But it will take some time. Definitely it will take some time, but you both are meant for each other. It is like, you know, grasp this person. Just let's have some letters for you guys. It could be your name, the first letter of your name, or your person's name, or something important regards to your connection. Next one. So you got H. You know, I guess all the pies are getting H. I don't know why. What's the thing with H? S. Happy soul journey. R. Okay, I'm getting hers here. So, he is hers or you are hers. You know, there is a pronoun, a possessive pronoun. And there's also his. So, his and hers. So, it is like for each other. Next letter is V, O, M, L. So we got three L's. Why? I don't know. Okay, so here it's Lu. So Lu is a, you know, very hot air in India. We call it Lu. So this is something very warm, which is going. There's a lot of fire. Okay, so we are getting Mrs. Ooh, interesting. So there's Mrs. And I'm not getting any other word. If you got some, let me know. Okay. And yeah, let's have the dice now. So think about a question and then we will roll this dice and get the answers. Think about a question. You can stop the video and let's see what your answer is. You got yes. You got yes and his answer. Awesome. Okay, so finally we have some songs. So let's see. I'll pull two songs, so you can choose one out of them, or you can hear both of them. So what's the song messages for pile number one? Okay, so we got two songs here. First song, second song. So there's two options. Let's see the first song. First song is Falling For You by Colby Kellett. This is a very sweet song. Listen to that. Falling For You. And next song is I Wanna Grow Old With You, Westlife. So this is so romantic song. I'm happy that you didn't got the sad, upsetting
songs. This is happy. So there's, you know, a bright future for you, this connection where we already saw that it's going. It's just realign yourself with love and everything will be fine. So guys, on that note, let's wrap it up. And keep watching Happy Soul Journey. If you want a personal reading, you can book through Gmail, Insta or WhatsApp. My catalog link is in description box below. All the contact details is in description box below. And if you have heard this reading till now, then don't forget to subscribe to my channel. Okay, and don't forget to bell button, so press the bell button so you don't miss the notification for my next video. There are a lot of timeless videos on my channel. The playlist is in description box below, so go there and watch more. Okay, and till next time, bye, and keep watching Happy Soul Journey. Bye. Hi Palambattu. So if you have chosen the green crystal, the jade, so let's see your reading. We have the yes and no dice. We have a lot of cards. We have songs. We have charms. And we have letters. So we have a lot of things. So be patient and be cozy. And let's start your reading. So we will look into these cards later on because these are future messages and future of this connection plus the advice for you. Till then, we have a lot to see. So first of all, start with the first question, how this person feels for you. So give me three cards of how the person of interest for pile number two feels for them. So first card is Nine of Wands. Which is a card of persistency, which is a card of consistency, which is a card of never back down, which is a card of I will fight till the last breath. Empress. So this person see you as someone very fertile, someone very independent, someone very beautiful, and I don't think so anyone can give up on Empress. What's the last card? How they feel for you. Their feelings for you. Okay, the Emperor card is reversed. Oh my God, you know what thing came to my mind when I was saying that, you know, no one can give up on Empress until the Emperor is in reverse. And we got Emperor is in reverse. So this person has a little bit of confidence issue, but Emperor is there, the energy of Emperor is there. This could be a twin flame situation where the masculine is not yet awakened and yet not fighting for this thing, but this person don't want to give up on you. This person is still feeling the fire in themselves. This person is still feeling the pain. This person is still feeling like they need you. They're still feeling the passion. They are, you know, the things are still there. The fire is not dying down any soon when it comes to their feelings for you. Let's have a card from this deck. What's their energy for you? What's their energy towards the pile number two? What's the energy of their personal interest towards the pile number two? Give me one card. The Temple path. So you are the right path. They are not ready for you, but you are the right path. Temple path is again a marriage card for me. And when there is Empress and Empress, they are like already a married couple, but the Emperor is not still ready. So they don't feel ready, but you are right path. It's not like, you know, they are diverting themselves towards any other thing. No. But are they ready for you? Nana. Still not. So what are their intentions towards you? I already feeling there is intention of marriage, a door to value. So there is very valuable connection, what they feel for you. And secondly, I'm seeing here that they want to give money. Okay, so this thing could be a money situation. They want to give you something which equals to your value, because you are an Empress at the end of the day. They want to be equal to you, or they want to provide you.
or they want to be, you know, they don't want to feel any lesser than you. That's why they are showing something else. A deceitful, a lie kind of face. Okay, so how they see you? We already saw that they see you as an emperor, so let's see how they see you as a person. Love partnership. So they see you as a potential of love partnership and they want to persevere. So there is energy of perseverance there. Okay, they want to persevere. You deserve someone who persevere for you. They love you. They have a feeling for you. They see you as a love potential. They see you as a partnership potential. Okay, what kind of advice they can sell, they give themselves when it comes to you? The tribe. So maybe they are getting the help from their friend circle, or they advise themselves, maybe a few of you, that they need to be a good friend to you first before anything else. Secondly, they are trying to be, you know, in your lane. Like, you are an empress, they want to be an emperor, so they are trying to be a person of your lane who has some value, who is going on a right path, who is individualistic, who is independent, who is beautiful, who is, you know, best form of themselves. So they want to be a tribe, they want to be in your line. So that's what they give themselves advice to, that, you know, be in the line of him or her, you know, be aligned with this person. They don't deserve less than, you know, what they are. So yeah, but they are trying to tell themselves to be in the present moment, and, you know, don't feel like you are having less than anything, because at the end of the day you found this person who you love and you like a lot. So, you know, this is kind of, take this thing as take this thing as a boost up or motivation. Yeah, motivation is the right word. So take this thing as a motivation and don't back down. Okay, so be here and now. So yeah, let's have some of their messages to you, what they see, what they want to say to you. So you got, I don't know how to get out of this situation. So they don't know how to get out of this situation. I don't want any change in my life right now. So they want to be in the present moment. That's why maybe they have already told you that, you know, this lie, I don't want any change in my life because I'm not ready for one. I want to be ready for one. Okay. You are beauty personified. So you are very beautiful to them. Empress, again, a Venus energy, very much beauty. Rehabilitation is on top of my priority list. So maybe this person is, you know, habitual of something. They want to change their habits, or they want to leave something which is not good for them. It could be some substances, or it could be some situation, or, you know, some person. So they are trying to build up the courage to leave the situation. They don't know how to leave that yet, you know, as this message says, but they are trying to do their best. So I feel they will come out, because they are not dying. They are not, you know, they are not giving up. Perseverance, two cards of perseverance. Okay, so what's their next move towards you? Lovers, twin flame energy, union. The Prince of Swords, communication, idea, a plan. Make a plan of union, make a plan of coming together. Prince of Wands, the Knight of Wands, which is saying action oriented. Very rush and very, you know, someone who just want to make it right
fast and swiftly. They will enter swiftly because they have already some plan in there. They have already made some plan. So that when they will take action, it will be very swift. Wheel of Fortune. So things will be all right. The action is towards making things right with you. Okay, so that's good news. Now let's see the future of this connection. So you got Sun, which is very beautiful, very positive, very sunshine, a masculine energy. Emperor will be Emperor, you know, upright. So don't worry, there's a strong masculine energy here, which I'm seeing in the future for this connection. So advice for you, I am the loving energy of the universe. So trust in the universe and everything will be all right. You are the loving energy. Don't feel like, you know, something can break you and make you into someone else who you don't like. You know, if you are converting and, you know, regenerating yourself into someone you like and love and appreciate, then that's great. But if you are converting yourself, transforming yourself to someone who you don't like, then don't do that. Trust the universe. Don't do that. You don't need to do that. Okay? And you are loving energy, so you already have love. You are cosmos in your own self, buddy. Okay, so now let's have some charms. So who are here for the first time? Here is my charm collection. A lot of charms. So let's see what you've got. So what you've got. Get what do you need to know about this connection? Okay, so you got anchor, so there is stability, there will be stability. School, so this could be a schooling or a career pathway. They want to build a, you know, door to value. So there is something, could be a career pathway. This will be this, you know, this will be blossom. You know, sunflower and button. This is, you know, this is a charm for me where the happiness is buttoned up. It's like, you know, it's sure. It will bloom, it will increase its vibration, you know, increase your vibration, keep your vibration high so that it can help the situation. Okay, you both are connected with the seventh chakra. That means there's a union energy. Unity consciousness is there. 11. Oh, this is definitely a reading for a twin flame. 11 lovers, emperor, empress, definite one. You need to be a little bit of elastic in your actions. Okay. And let's have some letters. It could be your name. It could be name of a person of interest, or it could be something important for your connection. So let's see what you got. First letter is L, which is a lover's card. I don't know why it came, but you, love you, Ailey. If someone's name is Ailey, then that is coming here. Tuesday, so it could be an Aries. One more charm was there. I was E again. So I'm feeling someone's name is LA or Ailey. Let me know. T, or you are having a t-shirt brand. S, so don't see yourself lesser than anyone, or maybe this is advice for them. Maybe they have already, we saw that they see themselves less than you. C, Q. Okay, we are seeing queen here, queen, but we are not having the N. It's
somebody else right now wearing the legions, and that is important message. I don't know why that came, but I have to share that. Okay, now let's think about a question, because we are going to roll the dice, guys. So think about a question, a clear question, a very simple question. You can pause the video and think about the question, but let's see. Interesting. Maybe no. So it is more tilted towards the no, but there is a possibility that this thing could be a yes. So this is like, I would say 70-30. 70 is no and 30 is yes. Okay. Last but not the least, we have songs. So I will put two songs, one and two. Choose one of them, or you can hear both of them. I put a lot my song messages for you. Okay, we got two. So this is one and this is two. Okay, so one and two. So choose your song and let's see. So let's see the first song. It says, "Say You Won't Let Go" by James Arthur. So listen to that song. It is a very sweet song. I love that song a lot. And how can I get a Hindi song in this? Main rahun ya na rahun? If you can understand the Hindi, listen to this song by, you know, in this, the Isha Datta and Imran Hashmi is there. But we'll pull a second song for the people who just understand the English. So you got Lost in Japan by Shawn Mendes. So you can listen to that song and let me know in the comment section below that how it resonated with you guys. And on that note, let me say a bye. But before that, if you want a personal reading with me, you can go in the description box below. There's a catalog link, plus there's the contact links and my Instagram, WhatsApp and Gmail detail, and you can go there and just check that out. Secondly, if you've heard this reading till this point, don't forget to subscribe, okay? And don't forget to press the bell button so you can get the notification as soon as I put the next video. See you later in the next video. Till then, watch a lot of videos on Happy Soul Journey. There are a lot of videos on timeless video on Happy Soul Journey. And see you in the next video. Keep watching. Bye. Hello, Palamatris. So people who are choosing the rose cards, let's see what we got in your reading. And we are going to have a lot of cards. And we are going to have the dice, the yes, no, maybe dice. And we are going to have letters. And a lot of charms. Plus some song messages. So be cozy, and this is going to be a deep reading. So let's start. Take a deep breath and let's start your reading. So we'll see and we will look into these cards later on, because this is future of this connection and the advice for you. But till that point, we have tarots, oracles, a lot of questions. So first question is, what they feel for you, what this person feels for you. Prince of Wands. So first of all, I would say there is a lot of attraction, strong attraction, I would say. And this could be a Sagittarius or a fire sign. Hermit. And Prince of Pentacles. So there is a two knight energy. So maybe you have two options, okay, or you are a earth sign, or this person is a fire sign. So there is, like, you know, someone is very slow and steady, and the other person is in too much of rush. But there is a middle ground which is very wise and very, you know, it's a Virgo energy, a wise Virgo. Is able to make life simple. So when you both come together, they feel like you both make life simple for each other. The Hierophant, this could be a Taurus, Virgo or Capricorn, and fire sign is Sagittarius, Leo and Aries. Okay, so
there is movement towards each other. So there is equality in this connection, which I am feeling here. That according to this person, you both feel for each other equal. One is like a lot of attraction, a little bit of childish behavior, and other one is attraction is there, but it is more about day-to-day things. Plus, it is wise one. It could be a age difference between both of you, but nonetheless, everything is awesome. So, one more card. What's the energy towards you? What's the current energy towards you? What's this person's current energy towards you? Ooh. Door to spirit. So, this person's current energy is that you are a person which spirit has sent to them. So this is something God-given. This is something destined. This is something beautiful. A soulmate kind of vibe. Equal. Peace offer is also there. One more thing. If there is silence between both of you. Hermit is again a card of silence. So if there is currently there is silence between both of you, I would say this person feels like you both want to take the action. And especially they want to take a lot of actions towards you. This is could be physical action. Okay, say it, Chetna. Sexual action. Okay, so what's the intentions towards you? What's the overall intention towards you? Broken heart. So they want to heal your broken heart. They want to make things right. They want to end your stress, the stress in your life. They want to make the heart, this heart, back to one piece. They want to make you happy. Okay, they want to make you happy. If few of you were thinking, if maybe few of you will think that they want to break your heart, I would say that if I have got, some kind of negative energy under the deck. Maybe this kind of. If I've got this under the deck, I would definitely say that they, no matter what is there, this person's intentions is that they will break your heart. But I'm not seeing there because the underlying energy is very nurturing and very caring and very emotional energy. So they want to take care of your heart. They want to, mend your heart. That's the right thing. Yeah. So how they see you as a person. How they see you as a person. Moderation. Again, a Sagittarius energy. So few of you could be Sagittarius. And domestic harmony, which is a Two of Cups energy. So there is moderation. Again, moderation is again a Sagittarius energy plus a Temperance energy. So there is already, in the Temperance card, we have two cups mixing. So we got two of Cups energy. And I feel, but you both are very opposite, I feel. Why I am saying that, first of all, I saw here that someone is, very action-oriented, the other person is very simple. Here, if we see, this connection is, they also see you as that, you both are very opposite. So, there is four, which is linking these two cards, which is stability. But there is six and one. So, one is Aries and six is Virgo. So, again, a fire and earth sign combination there. So they see, they feel very, core of their heart that you both are opposite, but still you both will create the stability. As I already told you, there is something wise coming out of this connection. So they see you that someone who will make an effort, who will put in effort if they want something red. If they are passionate towards something. Okay, so what kind of advice it gives them themselves when it comes to you?
change is in the wind. So change is coming. They want to make a change because there's a masculine energy which is coming with them. So change is in the wind, change will come, and they want to make a change and they need to make a change. They want to tell you the truth. They want to open their heart. They want to, even if you both are already in connection, you know, this person, I feel this person was not totally opened up to you, but now I feel like this person is trying to open up to you. They are trying to trust you. They want to tell you the truth. They want to tell you everything which comes in their mind, and they want to share with you. And that's awesome. That is a point which is very, very, you know, beautiful for some connection. Now let's have some messages from them. What they want to tell you. Let me suffer a bit. Why they want to tell you that? I don't know. Silence is healing. So maybe you are not, maybe they've broken your heart, but they now they want to mend that heart because they want to be nurtured by that heart. Okay. But for that, they are telling that they need to be punished for what they did. And there is silence, which I told you initially that, you know, there could be silence. So silence is healing, and silence, you know, it is suffer, it is making them suffer, but it is also teaching them some lessons. Let me pull one more message for you. For the people who didn't resonate with these two messages, give me one message for them. He or she treats you better than me. I was not sure about you. They were not sure about you and this connection. Okay. Finally, their next move towards you. So, what will be their next move? What will be their next move towards you? Prince of Wands, so this is action, but this is a card for me, some for sexual attraction. So again, there is sexual attraction there. A lot of attraction. Five of Wands, again, something. Six of Cups, reconciliation. So their next step will be reconciling with you. Leo energy, strength. So they are, you know, mustering up the courage to take this step. Again, this is Five of Wands, so they will argue with you. They will explain themselves to you if it is, it was what, you know, it was what needed. They will tell you the story of everything, why they moved away from you and why they were moved away from someone else. There is a story of moving on which they want to share with you. You know, I already told you that they want to share something with you. They want to tell you the truth. Okay. So what's the future of this connection? Growth, fish, prosperity, growth. Future of this connection is very bright and lucky at the same time. Okay, so what's the advice for you? I always trust the direction of the universe and know I am being guided. So this is the advice for you. But one thing I would like to add on from my side is, you know, dragonfly. Dragonfly is my spirit animal. I saw a very big dragonfly when I asked that I should start my YouTube channel or not, and I'm here, 22,000 subscribers, and I'm happy, and it's growing day by day, and yeah, I'm happy. So this is like, you know, this is right thing for you, no matter if you feel like, you know, it is tough. Because when you start a YouTube channel, you were like, you know, who will watch me? But people have accepted me, people loved me, and I helped them. It was a very beautiful journey of 2 years on this. If, you know, if I haven't started this thing, I haven't met and talked to those people, you know, whom I came into contact through this, you know, through this channel. So trust that it will be all right, okay? Okay, now guys, let's have some charms. It's charm time. File number
she needs to know about the children and children. For which they are what they are looking for. Okay, so first is the guitar. So it is Hard Rock Cafe, so it could be connected to you in some way, or you know, you or your person of interest play the guitar, or this is a song, maybe a song in which the guitar is being played. So that is you. Okay, we are getting the Aries here. Transformation, so things will change in the wind. Yeah, it is reiterating that thing. Masculine, so Yang energy, they want to take an action, they will take an action. Species, so you both are very different, as I already told you, both are like different kind of species. We both are Homo sapiens, but you know we all are very different, so that's what it is telling you. It is fan, so cool down the situation, let the situation cool down, whatever happened, you know, whatever, if this was suffer and healing, this message resonated with you, that let me suffer a bit and silence is healing, and cool down the situation a bit, and then we can do something more. Let's have the alphabet. It could be, you know, letters for the initial of your name, your person of interest, or something important with respect to this connection, or we can find some messages in there. So let's see. The pile in the screen. Just a second. First letter is R, then we got W, then we got G, D, X, so this could be an X situation, this person could be your X, D, C, A, cat, so follow intuition, U, okay, so am I able to see anything here? Art, maybe you both have met in art school, or art, you both do the art, or you both are interested in some kind of art. This could be a, you know, learning something. Okay. Rat. So rat is a symbolism when someone's, you know, see themselves less than someone or something. When they think that, you know, we don't deserve, raw. The emotions are very raw and very vulnerable in this situation. Okay, I'm just seeing these, if you are able to see any other letter, let me know, or any word, let me know. Okay, now we will roll the dice, guys. So think about a question, a very specific small question, a very crisp question, so you don't get confused with the answer. So make that question, you can pause the video and let's roll the dice. So what the answer of the question which number 3 has asked for? Maybe yes. So you got maybe yes here. Finally, we are looking for some song messages. So I will pull 2 songs. You can choose 1 or 2, or you can listen to both of them. So let's see. Song messages for pile number 3. Okay, so first is second. So this is first, second. Choose 1 and let's see. The
first message is The Heart Wants What It Wants by Selena Gomez. So this is the message from them to you. So listen to that song. And second song is Photograph by Ed Sheeran. So listen to it. That is a very beautiful song. I love the Photograph song. It's beautiful. It's so heart-touching. So listen to that song. If you get some message, share with me in the comment section below. And keep watching Happy Soul Journey. There are a lot of timeless video which you can go and check that out in the playlist, which I have mentioned the link. Of the playlist I've mentioned in the description box below. If you want a personal reading, feel free to contact me on Gmail or on Insta or on WhatsApp. You can look for my catalog. I have mentioned the link of the catalog for the reading that I offer. And last but not the least, if you've heard this reading till this point, don't forget to subscribe to my channel. Hit that subscribe button and hit that bell button so that you don't miss the notification for my video. Until next time, keep watching Happy Soul Journey and don't miss me much because I'm going to come soon. Bye. Hello everyone. So, jinhone bhi participate kiya tha, giveaway wale competition mein, those who have participated in the giveaway competition or whatever you call it, I have made the chips of those, you know, names, and you can win a 15 minutes video reading with me. So I will say the name, main naam bataungi ek ek karke, and I will put the slip in this बॉक्स और मैं पर्ची इसमें रखूंगी उसको मोड़ के एंड देन वी विल यू नो जस्ट बाय लक विल पुल वन चिट एंड दैट पर्सन विल बी द लकी विनर ओके और मैं जो चिट चुनूंगी बाय लक जो भी किस्मत से चुनाएगा उसको हम लकी विनर घोषित कर देंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे पहला नाम है कीर्ति पटेल जिन्होंने YouTube चैनल जो YouTube चैनल पे जिन्होंने मैं मेंशन करूंगी उन्होंने Insta पे पार्टिसिपेट किया था YouTube चैनल पे आई विल मेंशन द नेम हु हैव पार्टिसिपेट ऑन Insta एंड YouTube चैनल और YouTube चैनल ओके सो लेट्स सी सेकंड नेम इज ज्योति शेरावत YouTube चैनल YouTube ओके थर्ड इज राध था मिराकल 23 यूट्यूब विकी शेरू यूट्यूब हाय विकी यू हैव टेकन अ पर्सनल रीडिंग विद मी ऑलरेडी विधि जोशी यूट्यूब मनीषा वर्मा यूट्यूब अंकिता शर्मा यूट्यूब फ्लोरा तान्या गोम्स यूट्यूब अंजलि जैन यूट्यूब इप्सिता जेना यूट्यूब मोनिका सिंह शी इज पार्टिसिपेट ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड इंस्टा बाय ए के सैवेज कन्या मोनिका सिंह आई रिमेम्बर यू एंड विधि जोशी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू So it's Rajshree Soni, Nikita Dixit, YouTube, Riya Tiwari, YouTube, Reema, YouTube. अंजलि
जुलर, यूट्यूब, प्राची मिश्रा यूट्यूब, राजा बाबू यूट्यूब, वर्षा सदके यूट्यूब, आदि सिंह मिक्स यूट्यूब, कोमल डागर यूट्यूब, लिपिका समल यूट्यूब. So these are the all the people who participated and जिनका मैंने बहुत सारे बार comments देखा था या फिर जिनके comments मैंने देखे अच्छे से, तो ये सारे मुझे मिले और इनमें से अब हम एक चुनेंगे. I will choose one of them by just by luck. What angels, what spirit guide me to. Okay, so और ये आप अपने आईडी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है मुझसे रीडिंग लेने के लिए. अपना मैंने क्योंकि सबके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो मुझे पता है किसकी कौन सी डीपी लगी थी, किसका कैसे नाम था, और मैं सेम जाके चेक भी करूंगी. तो आप बस कमेंट करें अपना ईमेल आईडी जो भी विनर होगा और मैं आपको कांटेक्ट करूंगी. ओके गाइस, तो चलो चुनते हैं. आई विल कांटेक्ट द पीपल बाय यू जस्ट हैव टू मेंशन योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ईमेल यू एंड आई हैव द स्क्रीनशॉट्स ऑफ डीपी एंड द प्रोफाइल्स व्हिच हैव पार्टिसिपेटेड इन माय इन दिस रीडिंग इन दिस कॉम्पिटिशन और व्हाटएवर यू कॉल इट. सो आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं ये पहली बार कर रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट टाइम कब करूँगी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग था एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. तो चुनते हैं आज का विनर कौन है इस बार का. इसको इस रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है बाबा जी. ये मैं चुन रही हूँ कीर्ति पाटिल. तो कीर्ति पाटिल आप कमेंट करें अपना ईमेल आईडी और मैं आपको कांटेक्ट करूंगी. ठीक है. अच्छा एक और बात, ये दो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स करे और यू नो मैं इनका लगभग रोज़ ही कमेंट देखती थी और मैं ये क्योंकि पहली बार शायद आखिरी बार ये कर रही हूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन दोनों ने एफर्ट्स डाले. तो इनमें से मैं एक को रीडिंग दूंगी, तो ये एक्स्ट्रा एक रीडिंग होगी. एक का नाम है विधि जोशी और दूसरी का नाम है सैवेज कन्या. तो अब देखते हैं कि आप दोनों में से वो रीडिंग कौन जी. सैवेज कन्या मोनिका सिंह आप वो रीडिंग जीतते हो. मैं आप दोनों आपको मैं एक रीडिंग दूंगी और एक मैं दूंगी कीर्ति पटेल को. तो आप दोनों विनर हो इस रीडिंग के और आई होप आप मुझे कांटेक्ट करो और आई होप मैं आपकी हेल्प कर सकूं. तो इसी बात पे गाइस इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और थैंक यू आप सबने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू विधि जोशी. आप मुझे कांटेक्ट करिए. मैं आपको 15 मिनट की वीडियो रीडिंग तो नहीं पर हाँ मैं आपके लिए 3 कार्ड्स जरूर पुल करूंगी. आपका जो भी सवाल हो वो टाइम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बट हाँ जो भी सवाल हो आप उसको लेके मुझे कांटेक्ट करें क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स बहुत बार देखे हैं इस कॉम्पिटिशन से पहले भी. तो ये नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो दिस पर्सन
मैं इनको रीडिंग देना चाहती हूँ दी, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपके लिए 3 कार्ड्स की रीडिंग करूँगी। और एक और कंडीशंस ये हैं कि आप तीनों 18 प्लस होने चाहिए। अगर आप लोग 18 प्लस नहीं हुए तो ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी और उसका प्रूफ मुझे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अपना बर्थडे मुझे आपको आधार कार्ड पे, उस पर आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए, आप अपना एड्रेस को ब्लर कर लीजिएगा, पर आपका उस पर बर्थडे मुझे दिखा होना चाहिए, तभी मैं ये रीडिंग आपको दूंगी, ठीक है। क्योंकि हाल ही में ऐसे कई लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं जो 18 प्लस नहीं हैं और उनमें से एक दो लोगों ने झूठ भी बोला है, तो इसलिए मुझे आधार कार्ड का आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा और मैं आपको फिर रीडिंग दूंगी। तो यहाँ 3 लोगों को रीडिंग मिल रही है, एक सेविज कन्या को 15 मिनट की वीडियो रीडिंग, एक कीर्ति पटेल को 15 मिनट की वीडियो रीडिंग और विधि जोशी को 3 कार्ड्स की रीडिंग जो ईमेल से मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। तो गाइस इस बात पे इसको खत्म करते हैं और बाय, ऑल द बेस्ट।